जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार विस्तार। मामला है हमीरपुर जनपद का, जहां देश कोरोना के दंश से डरा हुआ है और सरकार के सभी स्कूल कॉलेज सहित शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा घर बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। हमीरपुर जनपद की मौधा तहसील का, जहां पर सरकारी आदेशों को धत्ता बताते हुए विद्यालय खोले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिम्मेदार अधिकारी भी मात्र इस मामले पर लीपापोती किए जा रहे हैं। जी हाँ, मौधा कस्बे के सेंट पॉल्स इंटर कॉलेज और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सरकारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन विद्यालय के पास अपनी समिति का आदेश भी है, जो कल से व्हाट्सएप की शोभा बढ़ा रहा है। मात्र जब इस मामले को लेकर जिले के शिक्षा अधिकारियों से बात की जाती है, तो वह मात्र जांच कर कार्यवाही करने की छुट्टी पिलाने लगते हैं। लेकिन यह अधिकारी समय निकालकर विद्यालय जाना उचित भी नहीं समझते। जब अधिकारी मौके पर नहीं जाएंगे, तो निष्पक्ष जांच कैसे संभव है, यह विचार करने की बात है। इस संबंध में जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात करना चाहिए, तो उन्होंने मीटिंग में होने की बात कहकर ही फोन काट दिया। सर, सर क्या नाम है आपका? रामगोपाल गौतम। आप प्रिंसिपल हैं यहाँ के? हाँ। सर क्या आदेश आए हैं? पहले आदेश आया था कि 13 से विद्यालय परीक्षाएं नियुक्त की जाती हैं। 13 को हमारे यहाँ परीक्षा हो चुकी थी, 14 से नियुक्त कर दी गई थी। और 14 को ही दोपहर को फिर आदेश आ गया कि परीक्षाएं पुरानी समय सारणी के अनुसार पूर्वक चलेंगी, और जो 14 का पेपर नहीं हो पाया वो आगे 23 व 24 को होगा। सर क्या नाम है आपका? अभिनय दास। आप यहाँ अध्यापक? मैं प्रधान अध्यापक। प्रधान अध्यापक, ये बताइए कि अभी क्या आदेश आए हैं सरकार के कि आप पेपर नहीं होंगे या बंद होंगे? देखिए, जहाँ पे परीक्षाएं हो रही थी उन जगहों पे परीक्षा यथावत होगी, उसके लिए ज़रूरी गाइडलाइंस दिए गए हैं। उनको हम लोग ने पहले फॉलो किया, 14 के अपने पेपर पोस्टपोन किए, दोबारा सीटिंग अरेंजमेंट बना के, और उसके बाद दोबारा पेपर बच्चों के शुरू किए। तो 14 तारीख के जो पेपर थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और 16 तारीख से जो यथावत चल रहे हैं जो थे वो पेपर हो रहे हैं, 14 तारीख वाले पोस्टपोन पेपर लास्ट में लिए गए। कुछ गाइडलाइंस क्या थी? गाइडलाइंस ये है कि बच्चों के बीच में दूरी होनी चाहिए, साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, और बच्चों को साथ साथ हर चीज़ के बारे में बताना भी चाहिए किस तरह उनको परीक्षाओं में रहना है। थैंक यू। और साफ सफाई। आज दिन भर की खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। हमारे चैनल के लगातार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।